फिलहाल 15% पे हूँ और मैं इस बिजनेस को अपने पापा के साथ उनके शिक्षा अनुसार इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और मैं आज के सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरी बड़ी बहन दिव्या आनंद जी को, जो कि हमारे सीनियर डायरेक्टर भी हैं और हम सब उनके टीम में हैं और हम उनके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो वेलकम है दीदी का, वो आए और हमें बताएं आज के सेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे गुरुजन हैं सबको मेरा सशत नमन। तो थैंक यू वंस अगेन हर्षित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इतनी अच्छी से इस इवेंट की शुरुआत करने के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहता है, लाइक फ्रीडम, लाइक अपने सपने पूरे करना चाहता हो, तो एक परिवर्तन की इवेंट की शुरुआत करें। तो नो डाउट इस परिवर्तन को शुरू करने के लिए, तो थैंक यू सो मच। जैसा कि हर्षित ने बताया, मेरा नाम दिव्यानंद है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और 1.5 साल से इस बिजनेस को सीख रही हूँ। तो इस ब्रांड न्यू परिवर्तन में आप सबका स्वागत है। मैं इस बिजनेस में एक सीनियर डायरेक्टर हूँ और इस मुकाम को हासिल करने के लिए मेरे पापा AK सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं उन्हीं की बदौलत आज मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ। और यदि मैं दूसरी तरह की जॉब की बात करूँ, तो उसमें ना हमें फ्रीडम मिलती, ना पैसे सोर्स ऑफ इनकम का कोई जरिया हमें मिलती, ना चैन की जिंदगी मिलेगी और ना लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मिलेगी। मोदी केयर से मेरा कार्बन रिलीज हो गया है और बहुत जल्द वो सारे फंड्स मेरे लिए रिलीज भी होंगे। वो दिन दूर नहीं जब मैं मर्सिडीज से घूमूंगी, मेरे पास जैगवार होगा, बहुत बड़ी आलीशान मकान होगी मेरे पास। तो क्या है ये बिजनेस जो सिर्फ वही नहीं कमाता बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी कमाती है? तो क्या है ये बिजनेस जिसमें अगर व्यक्ति सही तरह से काम कर ले तो आने वाली जनरेशन तक को सेट कर सकता है? तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में, उसके फायदे क्या हैं, कैसे उसे करके हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, स्टूडेंट होकर भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ होकर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सविता बुआ एक हाउसवाइफ होते हुए भी इस बिजनेस को बहुत शिद्दत से करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। सारे सेशन को बखूबी, उनकी जो भी सेशन मिलता है वो एकदम बखूबी निभाती हैं और डायरेक्टर भी हैं और बहुत जल्द वो सीनियर डायरेक्टर भी होने वाली है। इसे बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, अगर कोई छोटी सी जॉब में एम्प्लॉय है वो भी कर सकते हैं। हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इसको देखकर फ्रेंड्स याद रखना, जो व्यक्ति आज की तारीख में BMW चला रहा है, जो मोदी केयर में आया है, उसे सेकेंड हैंड साइकिल चलाने की भी हैसियत नहीं थी, वो आज BMW से घूम रहा है। आज एक डीयू की लड़की जैगुआर से घूम रही है, एक बड़े बिजनेसमैन इसको कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसे ही प्रेजेंटेशन से होती है। परिवर्तन, परिवर्तन हर लोग चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन, एक पॉजिटिव चेंज जो आज है उससे कल बेहतर करने के लिए। अगर हमारे पास बहुत है बट समथिंग डिफरेंट कुछ चाहिए, बट हमारे फाउंडिंग फादर मिस्टर समीर मोदी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर, कहते हैं कि अगर परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, फिर खुद को बदलना होगा। अगर हमने अपनी सोच बदल ली, खुद को बदल लिया, तो हम लोग दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो आइए जानते हैं अपने सपनों के बारे में। क्या हम अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। हमें चाहिए मान सम्मान, आर्थिक सुरक्षा, कार्य जीवन में संतुलन, बड़ी बड़ी कारें चाहिए, चैरिटी करना है हमें, हमें चाहिए बड़ा सा मकान, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए, परिवार के साथ अच्छा समय बिताना है हमें।
तो क्या हमें ये सब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पे जानेंगे जीवन यापन का खर्च। जहाँ 1960 में घर खर्च 100 रुपए में चल जाता था, वही 1980 में 1,000 हुआ, फिर 2000 में 10,000 हुआ, फिर 2020 में 1,00,000। यानी कि घर खर्च 10 गुना हमेशा बढ़ता है। इसमें क्या होता है, कोई भी हमें ऐसो आराम नहीं मिलती है, केवल जरूरत की चीजें ही हमें पूरी हो पाती है। तो वो कौन अवसर है, वो कौन सा अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं? तो उससे पहले, सबसे पहले हमें पैसिव इनकम से पहले हमें एक्टिव इनकम के बारे में जानना होगा, यानी कि निर्भरता प्लान के बारे में। 40 वर्षों का प्लान, सक्रिय आमदनी, काम नहीं पैसा नहीं, यानी कि जब तक हम लोग काम करेंगे पैसे आएंगे, काम बंद पैसा बंद, यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल तक, 60 साल तक हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं तो हमें पैसा आता है, चाहे वो कर्मचारी हो, दुकानदार हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, चाहे वो सीए हो, वो रोज काम करेंगे तो उन्हें पैसे आएंगे, काम करेंगे तो पैसे भी आने बंद हो जाएंगे। तो क्या हमें ऐसा कोई जरिया नहीं चाहिए जिससे हम घर बैठे भी हम पैसे कमा सकते हैं? तो आइए जानते हैं हम लोग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, यानी कि आजादी प्लान, 2 से 5 वर्ष का प्लान। इसमें क्या होता है कि हम लोग घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि शुरू में हमें काम ज्यादा पैसा कम आता है, बट जैसे जैसे हम लोग काम करते रहते हैं वैसे वैसे हमें मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, स्टार्टिंग में पैसा कम आता है, बट टाइम के अकॉर्डिंग हमें काम कम और पैसे ज्यादा आने लगते हैं। तो मैं एग्जांपल के रूप में एक राइटर की बात करूं तो हर कोई किताब नहीं लिख सकता, हम एक ऐसे लिखना तो बुक कैसे लिख पाएंगे, तो बहुत सारे। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हमें बस इसे सीखना है और करते रहना है। अब हमें डायरेक्ट सेलिंग से पहले हमें ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में समझना होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल के रूप में, जैसे कि 35 रुपए का कोई सामान है कंपनी के पास है, वो वितरक तक आते आते 45 रुपए का हो जाता है, फिर वो थोक विक्रेता के पास आते आते 65 रुपए का हो जाता है, फिर वो खुदरा विक्रेता के पास आते आते 75 रुपए का, और हमारे पास आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पे पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे मोदी के बिजनेस में क्या होता है कि बचा हुआ पैसा हमारे बोनस इंसेंटिव है, वो हम लोग कमाते हैं। तो आइए जानते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग के फायदे कि इसमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें शून्य है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क बिजनेस, यानी कि इसमें ना पैसा लगेगा ना हमें रिस्क बढ़ेगा। हमें छोटी सी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, 10-15 लाख हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो हम एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है, करना क्या है बस महीने का 3,000 या 5,000 का आपको सामान खरीदना है बस। शून्य जोखिम, नो रिस्क, रिस्क फ्री बिजनेस, असीमित आमदनी, इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है, जैसे आप काम करोगे वैसा पैसा आएगा। चौथा हमारा है पारिवारिक बिजनेस, जैसा कि मेरे घर में देखे, मैं करती हूँ, मेरा भाई करता है, मेरे पापा करते हैं, मेरी छोटी बहन, सब लोग मिलके करते हैं, और पारिवारिक बिजनेस है तो सारे फैमिली लोग मिलके करते हैं तो मजा आता है करने में। उसके बाद हस्तांतरणीय व्यवसाय है, यानी कि अगर जो बिजनेस कर रहा अगर वो नहीं है तो उसके नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, पूरे अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें हमें हमसे पूछा जाता है कि आपको कितने साल का तजुर्बा है, तो
अगर हमने बताया कि हमें 1 साल का तजुर्बा नहीं है तो हमें नौकरी वहां पे नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, बस वो 18+ हो। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताया था कि इसमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है, आप घर बैठ अगर आप काम नहीं भी करें तो आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। और पार्ट टाइम बिजनेस है, अगर आप पहले से अगर कोई जॉब में है तो आप उसको करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस बिजनेस से ज्यादा अगर आपको इनकम इसमें हो रहा है तो आप उस बिजनेस को छोड़ के आप इसे ओवर टाइम बिजनेस में भी कर सकते हैं। तो भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई और जिसके संस्थापक है मिस्टर समीर मोदी सर। मिस्टर समीर मोदी सर, हम सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है और हमारे प्रोडक्ट का नाम है आजादी, यानी कि हमें आजादी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे उनके दादाजी के बारे में, स्वर्गीय राय बहादुर मोदी, इसके संस्थापक थे। मात्र 400 रुपए से बिजनेस की शुरुआत हुई। वर्ष 1933 में बेगमाबाद में चीनी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1972 तक 27 अलग अलग उद्योगों की स्थापना की और 1968 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो अब बात करेंगे उनके बेटे स्वर्गीय श्री के मोदी जी के बारे में। वो एक असीमित दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे। हेलो, हर्षित, हम तुमको खुश बना दिए हैं। नहीं, तुमको नहीं बोला। सॉरी, नेटवर्क इशू की वजह से मैं बाहर आ गई थी। तो मैं बात कर रही थी उनके पापा के बारे में। मिस्टर समीर मोदी सर के मोदी के बारे में अब मैं बताऊंगी उनके बेटे समीर मोदी जी के बारे में। वो एक दूरदर्शी और सफलतम उद्यमी है। मोदी केयर को ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाया। आज लाखों कंसल्टेंट इस मोदी केयर से जुड़ चुके हैं। मोदी केयर से संस्थापक सदस्य यानी कि फाउंडिंग मेंबर है, विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता भी रही है और जीएमपी सर्टिफिकेट सारे मोदी केयर के। तो अब मैं बात करूंगी मोदी केयर उत्पाद रेंज के बारे में। तो हमारे पास बहुत सारे रेंज है, उसमें पहला हमारा है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर,
होम केयर, एग्री, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक, एसएम वॉचेस एंड डिवाइन, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको सच्ची आजादी दिलाने में हेल्प करती है। अब हम जानेंगे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में, यानी कि इंडस्ट्री का सर्वोत्तम प्लान। 62% तक अदायगी हमारे मंथली ग्रुप वॉल्यूम के अनुसार में मिलती है। प्लान है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, और हमें जो भी टाइटल्स मिलते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होती है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं। 100% की सेटिस्फेक्शन की गारंटी है, और प्रशिक्षण प्रणाली है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। अब हम जानेंगे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में, यानी कि आजीवन आय के 10 क्षेत्र के बारे में। तो उसमें हमारा सबसे पहले है 20% तक भोग पर बचत, उसके बाद 20% तक खुदरा लाभ, 3% तीसरा हमारा है 7% to 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, चौथा हमारा है 4% डायरेक्टर बोनस पूल, पांचवा है 14% डीम बिल्डर बोनस पूल, छठा है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, 7 हमारा है 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल, 8 है 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, 9 है 3% ड्रीम होम बोनस पूल, और ये हमारे 2% है आपकी। अब हम जानेंगे उपभोग पर बचत कैसे होती है। तो सब लोग जानते हैं कि हमारे पास 6 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और सारे प्रोडक्ट 13 कैटेगरीज में अलग अलग हैं। तो हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम मेरा अगर कोई भी प्रोडक्ट 120 का है तो हमें वो 100 रुपए का मिलेगा, और हमें उसमें 2% की छूट मिलेगी। उसके बाद भारतीय डायरेक्ट सेलिंग में क्लिक में आप अपने शॉप घर बैठे अपने दुकान खोल सकते हैं। अब लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में जान लें। हम 1800 का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम जान रहे थे लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में। अभूतपूर्व लाभ, यानी कि अगर हम 1800 का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं 25 तारीख से पहले, और अगर हम लगातार इससे 6 महीने तक अगर हम लगातार खरीदते हैं तो 7वें महीने हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हम इसे एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं कि अगर हमने फर्स्ट मंथ 5000 का सामान खरीदा, फिर सेकेंड मंथ 5000, फिर ऐसे करते करते हमने 6 महीने तक 5000 का सामान खरीदा, तो हमें 7वें महीने 5000 का सामान हमें फ्री मिलेगा। और अगर हमने इसे 12 महीने तक लगातार किया तो हमें 10000 का सामान फ्री मिलता है। अब हम जानेंगे एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, यानी कि 7 to 16%
के बारे में। तो अगर हम एक एक से 300 पीवी के अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हम कंसल्टेंट होंगे और हमारा परफॉर्मेंस बोनस लेवल होगा 7%। और अगर अगर हमने 301 से लेकर 1200 तक के पीवी रेंज अगर जुड़ते क्रम में अगर हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम होंगे सीनियर कंसल्टेंट और हमारा परफॉर्मेंस बोनस होगा 10%। और अगर हमने 1201 से लेकर 2700 पीवी के अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हम होंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर और हमारा बोनस लेवल होगा 13%। और अगर हमने 2701 से लेकर 4000 तक पीवी रेंज पीवी के प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लेते हैं तो हम होंगे सुपरवाइजर और हमारा परफॉर्मेंस बोनस लेवल होगा 15%। और अगर हमने 4001 पीवी के प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लेते हैं तो हम होंगे डायरेक्टर और हमारा परफॉर्मेंस बोनस लेवल होगा 16%। अब हम जानेंगे एक्युमुलेशन के पावर के बारे में। मोदी केयर के मैथमेटिक्स को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे दो तरह के एग्जांपल दिख रहे हैं। एक छोटा सा पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने महीने फर्स्ट मंथ में 200 जीपीवी का अगर हमने ऑर्डर किया तो हमारा एक्युमुलेटेड होगा 200। टाइटल हमारा होगा कंसल्टेंट और टाइटल परसेंट होंगे 7% और एपीबी होगा 378 रुपया। और अगर हमने दूसरे मंथ अगर हमने किया जीपीबी 200 का तो वो एक्यूमुलेट होकर 400 हो जाएगा और हम लोग होंगे सीनियर कंसल्टेंट और हमारा टाइटल परसेंटेज होगा 10% और एपीबी वितरक होंगे 540। और हम इसे थोड़े से बड़े बड़े एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे। अगर हमने फर्स्ट मंथ 1000 जीपीवी का अगर हमने ऑर्डर किया तो हमें तो हमारा एक्यूमुलेटेड होगा 1000 और हमारे टाइटल होंगे सीनियर कंसल्टेंट, हमारा टाइटल परसेंट होगा 10% और एपीवी 2700। और हमने फिर दूसरे महीने भी हमने 1000 किया तो हमारा एक्यूमुलेटेड 2000 हो जाएगा, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, हमारा टाइटल परसेंट 13% होगा, एपीबी हमारा 3510 होगा और तो लेट होके वो 3000 हो जाएगा और फिर हम सुपरवाइजर होंगे और हमारा टाइटल परसेंट 15% होगा और एपीबी 4050 होगा। अब हम जानेंगे मोदी के फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम के बारे में। तो 10% प्राप्त करने के लिए हमें 240 जीपीबी का ऑर्डर करना होगा। तो हम सीनियर कंसल्टेंट होंगे और हमारा 10% होगा और हमें 778 रुपए के डीपी मूल्य के प्राइस हमें फ्री मिलेंगे। और अगर हमने 3 फ्रंटलाइन कंसल्टेंट को फास्ट स्टार्ट 10% क्वालिफाई कराई तो हमें 978 मिलेंगे और वो तीनों को 778 के डीपी मूल्य के प्राइस फ्री मिलेंगे। अब हम जानेंगे लीडरशिप टाइटल्स क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर 26 पीवी का हमने ऑर्डर किया और पीजी पीवी हमारा होगा 1250 और हमारी कोई डायरेक्टर लीग नहीं होगी और हम डायरेक्टर होंगे। उसके बाद फिर पीवी हमें 26 चाहिए, पीजी पीवी 1100 और हमारे नीचे एक डायरेक्टर होंगे और हम सीनियर डायरेक्टर होंगे। उसके बाद फिर हमारा 26 पीवी होगा, पीजी पीवी हमारा 900 हो गया, हमारे नीचे दो डायरेक्टर होंगे और हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। उसके बाद फिर पीवी होगा हमारा 26, पीजी पीवी हमारा होगा 600 और हमारे नीचे होंगे 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग होंगे और हम होंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद फिर हमारा पीवी होगा 26, पीजी पीवी हमें चाहिए 600 तो हमारे नीचे होंगे 3 डायरेक्टर लेग होंगे और हम होंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर हमारा हमें चाहिए 26 पीवी होगा हमारे पास, उसके बाद पीजी पीवी हमें 300 चाहिए, हमारे नीचे 4 डायरेक्टर होंगे और हम होंगे प्लैटिनम डायरेक्टर। उसके बाद हमें सिर्फ 26 पीवी का ऑर्डर करना है और हमारे नीचे 6 डायरेक्टर लेग होंगे और हम एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होंगे। उसके बाद फिर हमें 26 पीवी का ऑर्डर करना है, हमारे नीचे 8 डायरेक्टर होंगे और हम क्राउन डायमंड डायरेक्टर होंगे। फिर 26 पीवी का हमें ऑर्डर करना है, हमारे नीचे 11 डायरेक्टर होंगे और हम रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर होंगे। उसके बाद फिर
26 पीपी का ऑर्डर करना है हमारे पास, तो हम हमारे नीचे 14 डायरेक्टर लिंग होंगे और हम ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर होंगे। अब हम जानेंगे 4% डायरेक्ट बोनस पूल के बारे में, यानी कि कंपनी के कुल मासिक बीवी का 4% का पूल। हर क्वालिफाइड डायरेक्टर टाइटल्स को मासिक भुगतान मिलता है और पहली बार क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम हमें 1250 पीजीपीवी का ऑर्डर का 14% पूल। क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर टाइटल मासिक भुगतान मिलता है और नॉट डायरेक्टर और उसके ऊपर के जनरेशन तक प्रोडक्टिविटी बोनस पूल की बात, तो कंपनी के कुल मासिक बीवी का 15% पूल क्वालिफाइड डायरेक्टर और ऊपर के टाइटल्स जिनके पास एक डायरेक्टर लेग और वो 3600 के साथ हो और 8 सीनियर डायरेक्टर तक के भुगतान ये होता है। उसके बाद 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल की बात करें तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा, टीम बिल्डर बोनस अंक पर 5% तक मेंटेन करना होगा, डायरेक्टर उसके ऊपर के टाइटल्स को मासिक दान करना होगा। 5 व्हीकल बोनस पूल की बात करें तो इसको क्वालिफाई करने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगातार 3 महीने तक मेंटेन करना होगा और हमारे ये 3 डायरेक्टर होंगे और हमारे पीजीपीवी 600 होंगे। उसके बाद 3% ड्रीम होम बोनस पूल की बात करें तो इसको क्वालिफाई करने के लिए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लगातार 3 महीने मेंटेन करना पड़ेगा और 6 लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे और 4th महीने से ड्रीम होम बोनस पूल हकदार हो। अब बात करेंगे 2% अटूट बंधन बोनस पूल का, यानी अटूट बंधन रिश्ता दिल का। कंपनी के कुल मासिक पीवी का 2% पूल, ये सुनने में छोटा लगता है बट है बहुत बड़ा पैकेजिंग, यानी कि ये उन लोगों को ये क्वालिफाइड क्राउन डायमंड डायरेक्टर को मिलता है, क्वालिफाइड रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को मिलता है, क्वालिफाइड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को मिलता है, यानी कि मंथली कैपिंग इसकी 21 लाख रुपए की है। अब सार्थकता की जिंदगी के बारे में, तो क्या हम सार्थकता की जिंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। पैसा कमाने में लोगों की हमें मदद करनी है, ये बहुत अच्छा नेक व्यवसाय है, ऐसे करना भी हमें अच्छा लगता है। हमारे सर यही है कि दूसरों की मदद करना, तो हम मोदी केयर में आके दूसरों की हेल्प इस बिजनेस के जरिए कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर के बारे में, तो यहाँ बहुत सारे हैं, हम क्लासरूम के जरिए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फोन के जरिए, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम रोज 5 बजे जूम पे मीटिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे बुक हैं, आरोग्य हिंदी में है, वेल के हैं हिंदी में, होम केयर है हिंदी है, बुकलेट है इंग्लिश में, कनेक्ट मैगजीन्स है। अब बात आती है खुद को जवाब देने की, अगर मोदी के नहीं तो क्या, अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। हजारों की शुरुआत एक कदम से होती है और पहला कदम आप ले। समीर मोदी सर बोलते भी है, मैं आपके हर एक कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा, लेकिन वो बोलते हैं कि आपके हर एक कदम के साथ मैं 4 लूंगा। तो मैं आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़े से डिस्टर्बेंस भी आए, सो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी। वंस अगेन गुड मोदी केयर मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, ओवर टू होस्ट।
थैंक यू सो मच दीदी, आपने गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर उपस्थित सारे गुरुजनों को मेरा शत-शत नमन। जैसा कि अभी दिव्या ने परिवर्तन बताया और परिवर्तन संसार का नियम है, हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और दिव्या ने बहुत इतने चैलेंजेस के बावजूद, नेटवर्क इश्यूज के बावजूद, इस परिवर्तन को बहुत अच्छी तरह से बताया। हम सभी देख पा रहे हैं कि हर्षित हो, चाहे सर हो या दिव्या हो, उनके नेटवर्क इशू आज हैं। उस साइड में कुछ ज्यादा नेटवर्क इशू हैं, बावजूद इसके बहुत सिंपल से शब्दों में उन्होंने सारी चीजों को समझा दिया। हो सकता है कि आप और हम में से कुछ लोगों को ये कैलकुलेशंस पहली बार में नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि वाकई ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। आप जरूरी नहीं कि सभी को समझ में ही आ जाए, पर हमें, जैसा समीर मोदी जी कहते हैं कि हमें एक कदम चलना होगा, उसी के बाद हम आगे की यात्रा कर सकेंगे। हमने एक एक कदम से शुरू किया था और इस मंथ में डायरेक्टर के लेवल को अचीव किया है। तो एकदम से कोई भी चीज नहीं हो जाती है, हमें छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे गुरु आशुतोष सर हर दिन यही बोलते हैं कि जो भी बिजनेस है आपका, उससे कुछ थोड़ा सा अधिक, उससे अपने आप से कॉम्पिटिशन करें। और कल की मीटिंग के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी, कल भी मैं मीटिंग में नहीं आ सकी थी कल, और शायद ऐसा तीसरी बार हुआ है कि किसी कारणवश मैं नहीं आ सकी हूँ। और कल चूंकि एक राष्ट्र संत वसंत विजय जी महाराज है, उनका वेबिनार था इंदौर में, तो वो मैं अटेंड करने गई थी। तो वहां उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात बोली थी कि विश्वास, और उन्होंने एक कहानी भी बहुत अच्छी सी बताई थी कि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। 2003 में कोई साइंटिस्ट का नाम उन्होंने बताया था, वो थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को सबसे टाइप करके और जोड़ा था, और लाइव उनका टेलीकास्ट हुआ था, और सबको घर में बोला कि अपने अपने चम्मच लीजिए, और 194 देशों में ये प्रसारण किया जा रहा था, और अपने आप उनके बोलने भर से वो चम्मच टेढ़े हो गए थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या चीज है, तब उन्होंने बताया कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा विश्वास है। तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए और उस विश्वास को समाहित करते हुए आगे बढ़िए। वाकई विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। मोदी केयर बहुत अच्छा ब्रांड है, बस जरूरत है हमें विश्वास करने की और एक एक कदम चलने की। और हर्षित जी का MOC भी बहुत जबरदस्त रहा, और दोनों बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतनी एडवर्स कंडीशन में भी आपने इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन को दिया। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारी इलेक्शन ड्यूटी है, और इलेक्शन ड्यूटी ज्वाइन करके मैं वापस छपरा के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। रास्ते में हूँ, दूसरा सेशन आज नहीं कर पाएंगे। सभी लोग का सेशन बहुत अच्छा था, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग का आभार, खास करके गुप्ता सर का बहुत बहुत आभार। तो इन्हीं सब बातों से आज का सेशन हम समाप्त करना चाहेंगे, और हम लोग कल मिलते हैं फिर से डेमो सेशन में, और कल का डेमो सेशन बहुत खास होगा। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।